हाय गाइस, कैसे हो? कैसे आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे आप लोग इस ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे तो आप लोग ब्लॉग देख के समझ ही गए हो कि मैं कहाँ पे आप लोग को आज लेके जाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आप पहाड़ों के बीच में है, तो गाइस ये वीडियो भी इससे रिलेटेड है। और हम लोग जाने वाले हैं एलेन के एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस पर। तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो कैसे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन को हमेशा मिलती रहे। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं एलेन के एक जैबल हफीद पहाड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ पे मैक्सिमम घूमने के लिए ही होता है। तो चलो मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं कार से, जस्ट उस रास्ते पे हम लोग जाने वाले हैं और उस पहाड़ पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग एलन के रास्ते पर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो हरियाली और सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आई थिंक आप लोग को रास्ता भी दिख रहा होगा जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं और ये उसके नीचे का व्यू है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप लोग कह रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो गाइस मैं यहीं पे हूँ। और क्योंकि मैंने दिख रही हूँ कि मैंने बस वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं भी अभी आप लोग को दिख जाऊँगे। तो गाइस अभी देख रहे हो अभी हम लोग उस जो पहाड़ वाला रास्ता उसमें हम लोग इंटर कर चुके हैं और हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये मैं रही जो कि कार से आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है कि मेरे को अच्छा लगा था देखना। फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ तो बहुत देखी हूँ बट ऐसे मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ी नहीं थी, वो भी कार से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो रास्ते काफ़ी ज़्यादा प्यारे दिख रहे थे, आप लोग तो देख ही रहे हो सारी चीज़ें रास्ते। और आप लोग को लग रहा है कि ये नॉर्मल रास्ता है बट ये रास्ता नहीं था, ये कम से कम आई थिंक 12 से 10 किलोमीटर ऊपर ऐसे ऊपर आपको चढ़ना है पहाड़ के थ्रू, क्योंकि पहाड़ से काट के रास्ता बनाया गया है, मतलब पहाड़ों के बीच में रास्ता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग बहुत मतलब तब भी कुछ फीट ऊपर आ चुके हैं और नीचे का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये आगे का रास्ता है, चलो आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अगर तो गाइस अभी यहाँ पे ये अच्छा है ना कि यहाँ पे हर जगह पार्किंग दिया हुआ है, आप हर जगह खड़ा करके मतलब अच्छा से व्यू देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर आप लोग को अच्छे आपके लिए अच्छा सा व्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे बाथरूम आप कार पार्क कर सकते हो और इसके ऊपर जाओगे तो आपको होटल भी मिलेगा, मतलब आपको सारी सुविधा इस पहाड़ पर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी ही ऊपर चढ़े हैं और यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे पूरा ग्रीन दिख रहा है, पहाड़ों के बीच में घर दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी और ऊपर जाना है तो रास्ता है, चलो। तो गाइस अभी हम लोग फिर से स्टार्ट हो गए और हम लोग फिर से ऊपर चढ़ने लगे और चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। आई थिंक हम लोग को चढ़ने में लगभग 10 से 20 मिनट लग गए थे ऊपर जाने में, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर होता है और हम लोग सारा व्यू इन्जॉय करते जा रहे थे, इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए क्यों ना रिकॉर्ड कर ले। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट मैंने सोचा कि आप लोग को भी तो देखना चाहिए ना कि वहाँ का व्यू जैसे अब स्टेप बाई स्टेप ऊपर जब कैसा दिखता है। तो आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे एक स्टॉपेज था तो हम लोग फिर यहाँ पे रुके और देख सकते हो यहाँ पे जो रास्ते हैं जिस में हम लोग उसी रास्ते से हैं वो रास्ता कितना सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी पार्किंग दिया हुआ है। तो गाइस बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, तो मैं आप लोग बता दूँ इसका नाम जबल हफीद रोड जो एलन के पास है उसी का है। और फिर हम लोग ऊपर चढ़ने लगे, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा एक होटल दिख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, आई थिंक लास्ट जो है इस होटल का उसके ऊपर था। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी शाम हो गया है तो यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो गया। और गाइस ये एक यहाँ पे राजा का है, उनका घर है जो यहाँ पे कभी भी आते हैं और जा सकते हैं, इसलिए अभी तो बंद है फिलहाल क्योंकि वो लोग नहीं है। जब उन लोग का मन करता है तो वो लोग आए घूमते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि अभी शाम हो चुका है और शाम होते हैं यहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोगों था। फिर हम लोग एक जगह रुक कर हम लोगों ने कहा चलो आप लोग के लिए वीडियो शूट करते हैं। तो गाइस टॉप ऑफ द स्काई उतना ऊपर लोग उतरन जहाज नजदीक लिख रहा है। गाइस देखो रास्ता बन रहा है, तो गाइस ये यहाँ का लास्ट है जो कि सबसे ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ दिख रही है, यहाँ पे बिल्ली ज़्यादा दिख रही है। और गाइस ये रहा वो ब्यूटीफुल व्यू जिसके लिए हम लोग इतने ऊपर आ रहे हैं। और गाइस यहाँ से देखने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला था। वीडियो में तो आप लोगों आई थिंक क्लियर दिख रहा है, मैं कोशिश करूँगा आप लोग क्लियर दिखे बट विदाउट वीडियो अपनी खुद की आँखों से देखना ना वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा मोमेंट होता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो मतलब सारी चीज़ें काफ़ी छोटी दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है और शाम होने की वजह से और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। आप लोग रास्ते देख रहे हो और ये मेरी मम्मी है और मैं हूँ, हम लोग दोनों लोग सेल्फी ले रहे थे घूम के क्योंकि मैंने कहा चलो सेल्फी तो लेना चाहिए ना इतने दूर से आए हैं।
तो क्या जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे स्टे करना तो आप लोग स्टे भी कर सकते हो। ये मैं हूँ रिकॉर्ड की वीडियो। तो गाइस जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो गाइस आप लोग यहाँ पे रात भर स्टे कर सकते हो, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता है। जबीला जो भी है यहाँ का रास्ता है, जो कि पहाड़ काट के बना, लोग बहुत ऊपर है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे एक और पहाड़ है। आप लोगों को पूरा वीडियो जरूर दिखाऊंगा गाइस। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कुछ कह रहा था यहाँ पर नेटवर्क के लिए टावर भी लगा हुआ है। वाव, दैट्स ऑसम व्यू। टू सी द मैजिक। प्यास है क्या नशा इस होने लगा। आप लोग को बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाते हैं। चलो आ जाओ, कमेंट करना कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा और कहाँ का है। ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर आप लोग चाहो तो घूमने आ सकते हो। बट ये इसका चढ़ना आई थिंक 12 से 15 किलोमीटर का लगभग होगा। और मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह रुक के आप लोग अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स का फ़ोटो, मतलब जो भी है बाहर का व्यू का फ़ोटो अच्छा खींच सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा मेरे को भी आके। बट हम लोग को पता है शाम को तो और अच्छा दिख रहा, रात में दिन में दिखता है अच्छा था, शाम को और अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे रास्ता भी है जाने आने का। अभी हम लोग नीचे उतरने वाले हैं क्योंकि हम लोग कब से यहाँ पे है। चलो तो गाइस उसके बाद हम लोग निकल पड़े क्योंकि हम लोग बहुत सारा घूम चुके थे। मैंने बहुत सारा रील भी शूट कर लिया गाइस, तो आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, जो कि सुमन कुशवाहा 24 करके आईडी है। आप लोग जाके देख सकते हो और वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो अच्छे अच्छे। तो गाइस उसके बाद हम लोग नीचे उतरे थे, आप देख सकते हो नीचे से रास्ते का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गाइस आप लोग को बता दो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पेमेंट या पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं भी जाकर घूम सकते हो गाड़ी से अगर आपके पास कार है। और गाइस ये ऊपर से उतरते हुए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, आप लोग सोच सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने पर। सोचो फ़ोन में इतना अच्छा दिख रहा है, रियल में कितना अच्छा दिख रहा होगा। तो गाइस ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट करना। गाइस सर ये हम लोग सबसे नीचे आ गए वहाँ का व्यू है, अब देख सकते हो रास्ता कैसे चिकचैक मूड में दिख रहा है। तो गाइस अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस। एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे इस प्यारे से ब्लॉग को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहो। कमेंट करना कि आप ऐसे पहाड़ पर कब गए थे, कहाँ गए थे। तो गाइस ये है ओमान का बॉर्डर, जैसे आप देख सकते हो उधर नेट लगा हुआ है, तो और इधर दुबई है उधर ओमान है। तो गाइस अगर आप लोग को उस देश में जाना होगा तो आपके लिए वहाँ पे पासपोर्ट और वीज़ा दिखाना पड़ेगा, तभी आप उस देश में जा सकते हो। आप देख सकते हो दोनों रास्ते एकदम एक ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में बस बाउंड्री नेट पड़ा हुआ है। और लग रहा है कि यार मतलब बस ओमान देश तो काफ़ी दूर है आप लोगों को पता है, बट अगर दुबई की ये बहुत ही नज़दीक है। अगर आप लोग को मतलब कभी पासपोर्ट या वीज़ा मतलब बढ़ाना हो, वीज़ा हो जा, तो आप ओमान जाके इजीली बढ़वा सकते हो, जो कि ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो उस साइड ओमान है, इस साइड दुबई है, बीच में बस नेट लगा हुआ। इतना आसानी से सोचो कैसे वहाँ पे ये देश रह रहे हैं। अगर हम लोग के साइड होता तो हम लोग तो कूद फान करके पहुँच जाते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस आप लोग कमेंट करना क्या कि आपका कोई दोस्त दुबई या ओमान में है।